Hello students, welcome once again to the world of physics, and in this new session of chapter number 2 electric potential and capacitance. और इस session से पहले session तक की बात करें तो हमने potential complete कर लिया, dielectric वाला part complete कर लिया और capacitance के अंदर entry ले ली थी अपन ने, है ना। और उस entry को बड़े आराम से धीरे धीरे enjoy करते हुए लिया था अपन ने। हमने capacitance equation सीखी थी, what was that, Q proportional to V, Q is equal to CV, ये था। फिर अपन ने कैपेसिटेंस भी निकाल लिया था, है ना, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस भी निकाल लिया था। इफ यू रिमेंबर ये आया था 4πε0R, है ना, मैं लिख देता हूँ 4πε0। अगर कोई मीडियम है तो उसके लिए ये भी आ जाएगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी वैक्यूम में, ओके। और साथ में आ गया था आर, ये था कैपेसिटेंस किसी स्फेरिकल कंडक्टर का। तो कैपेसिटेंस वैसे हमने निकाल लिया, कुछ एक आधी ग्राफिकल प्रॉब्लम भी करी थी हमने, but now it's time to move ahead of all these simple topics and to move to a new topic. मैंने आपको कहा था कि ये इस टॉपिक जो है, जिस टॉपिक को हम करने जा रहे हैं, ये अब आगे आने वाले चैप्टर की जान है। क्या है ये टॉपिक? दिस इज पीपीसी। पीपीसी बोले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मेन टॉपिक, मस्ट टॉपिक है ये, बहुत शानदार टॉपिक है और जो भी बात है इसी की है, ठीक है, यही बचा है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या मतलब है, अब इसका नाम देखो पैरेलल प्लेट और इसका सरनेम देखो कैपेसिटर, तो आपको पता चल जाएगा। इसका सरनेम देखा कैपेसिटर तो इसकी फैमिली का पता लगा, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ कैपेसिटर। इट मींस इनका खानदानी बिजनेस क्या है, इनका बिजनेस है कैपेसिटी का, स्टोर करने का। अभी क्या स्टोर करते हैं, पानी नहीं, क्या स्टोर करते हैं, चार्ज। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था लास्ट टाइम वाटर बॉटल का, वो भी एक स्टोरेज ही तो है, बट वो आप यूज कर सकते हो किसी लिक्विड, मोस्टली वाटर के लिए। वैसे ही ये जो कैपेसिटर है, इट स्टोर्स द चार्ज, क्लियर। फिर जो इसका नाम है पैरेलल प्लेट, इससे आपको इसकी आइडेंटिटी पता चलेगी कि इसकी शक्ल, इसका डिज़ाइन कैसा है। तो आपके लिए डायग्राम पे बना हुआ है तैयार, तो इट लुक्स लाइक कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, और लुक्स लाइक क्या, ऐसा ही होता है, दो पैरेलल प्लेट जस्ट लाइक ऐसे हैं, ठीक है, इस तरह की दो पैरेलल प्लेट हैं, ये बिल्कुल सेम साइज़ की, बिल्कुल सेम एरिया की, जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका, और ये कुछ छोटे डिस्टेंस पे रखी हुई होती हैं, ठीक है। तो व्हाट आई जस्ट सेड कि अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए ही होगा, और इन दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन होगा ना, जो सेपरेशन होगा इन दोनों के बीच में, अगर मैं इसको डी से मार्क करूँ तो ये सेपरेशन बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू इस प्लेट का जो डायमेंशन है। लाइक अगर ये स्क्वायर है तो इसकी कुछ ना कुछ साइड होगी ना, तो इसकी साइड से बहुत छोटा होगा ये डी, क्लियर हुई बात। तो पहली बात तो हम इसकी डेफिनेशन कवर आउट करते हैं कि हाउ विल यू डिफाइन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो यू विल से कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स लगी होती हैं, जिनका एरिया सेम होता है और उनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, और ये यूज की जाती है टू स्टोर द चार्ज, ठीक है। तो फ्रैक्शन में हम अगर याद रखें तो बहुत इजीली याद हो जाएगी। अब इसको प्रॉपर लैंग्वेज में कहें तो क्या कहेंगे कि व्हाट इज पीपीसी, इट इज अ डिवाइस कंटेनिंग टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर द चार्ज, वेरी सिंपल। तो आपके माइंड में साथ साथ चलता रहेगा कि आपने क्या क्या कहा, एरिया सेम है, डिस्टेंस कम है, स्टोर करना है चार्ज को, और कंडक्टिंग प्लेट्स है, सो एंड सो। बहुत ही आसान है, थोड़ी शायद लेंदी हो सकती है, बट आसान बहुत है, आपको याद हो गई होगी। अब इसमें कुछ आगे चलते हैं, क्या करेंगे इसका, ठीक है, अच्छा करेंगे क्या, तो सिंपल सा आंसर है कैपेसिटर है तो चार्ज स्टोर करेंगे, वो अभी तो बात करी थी अपन ने, ठीक है, तो चार्ज स्टोर करेंगे इसके अंदर। कुछ और आगे चर्चा बढ़ाते हैं, जैसे ही चर्चा आगे बढ़ाते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हमारे पास वो है ना, हमारा क्लासमेट चिंटू बड़ा क्यूरियस है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है ये, तो क्यूरियस चिंटू जो, उसने क्वेश्चन पूछा कि सर, थोड़ा सा आलसी टाइप का भी है, क्या कह रहे हैं, कह रहे सर आपने दो प्लेटें क्यों ली, एक भी तो ले सकते थे, ठीक है। फिर कह रहा अगर दो ली भी हैं, चलो ठीक है, अगर दो ली भी हैं तो फिर आपने दो ऐसे ही क्यों ली हैं, इसका क्या फ़ायदा। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है चिंटू का, दो क्वेश्चन पूछे, अगर आपके माइंड में भी आ रहा था तो यू कैन बी द चिंटू, अगर नहीं आ रहा था तो आपका ही क्लासमेट है, आप उसका आंसर, आपके मतलब क्वेश्चन उसका है, आंसर मैं दे रहा हूँ, आप आंसर सुनेंगे क्या है इसका आंसर। तो एक ही करके क्वेश्चन लेना चाहिए, दो क्वेश्चन पूछे उसने, उसने कहा कि सर एक प्लेट से नहीं सर सकता था क्या, पहले इसको एड्रेस करते हैं। तो लो जी, एक प्लेट से क्यों नहीं सर सकता, बिल्कुल आराम से सर सकता है, जैसे कल
हमने एक स्फीयर भी तो लिया था, सिर्फ एक स्फीयर लिया था, उस पर चार्ज भी तो डाला था। तो वैसे अगर ये कंडक्टिंग शीट हो, कोई कंडक्टिंग शीट हो, क्या इस पर चार्ज नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, लो जी आ जाएगा। क्या इसकी फिर कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी? बिल्कुल डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो एक प्लेट लेकर भी इसके अंदर चार्ज स्टोर करवाया जा सकता है, बट अगर दो प्लेट्स ली हैं तो कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन होगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। लेट दिस प्लेट बी P1, लेट दिस प्लेट बी P2, ये पहली प्लेट है। दूसरी प्लेट आप चार्ज स्टोर करवाने के लिए ना इसी प्लेट का यूज करोगे, सिर्फ एक का, इस पे चार्ज आप स्टोर करवाओगे, ठीक है। धीरे धीरे सुनते रहो, बड़ी मस्त कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट, आपको और समझ में भी सारा आ जाएगा, बट पेशेंटली सुनते रहना, क्लियर। तो भी चिंटू का आंसर हुआ नहीं कंप्लीट, उसने कहा था सर दो प्लेट क्यों, एक प्लेट पे चार्ज आ सकता है ना, तो अब उसका जो है ना स्ट्रेंथन हो गया और ज्यादा, कि सर मैं तो पहले ही कह रहा था, आप ही पंगे करो, दो प्लेटें ले रहे हो, छोड़ो आज से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मत पढ़ाओ, आप प्लेट कैपेसिटर पढ़ाओ आज से, ठीक है, बाय चिंटू। तो मैंने कहा नहीं सुन, बताता हूँ तुझे मैं सेकंड प्लेट क्यों ली है मेरे, ठीक है। उसने कहा बताओ सर। अब आप ये देखो कि यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट की जरूरत है एक छोटे से, एक बार इस डिस्कशन को चिंटू वाले को होल्ड पे डालते हैं, एक छोटा सा आंसर चाहिए मुझे आपसे। आप ये बताओ, बिल्कुल डिफरेंट, उसको भूल जाओ एक बार, आप ये बताओ कि अगर एक चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, इसके आसपास कोई पॉइंट है पी, ठीक है, इसके फील्ड में अगर आ रहा हो, इसके पास है, क्या इस पे पोटेंशियल आप निकाल सकते हो? क्या क्या बात कर रहे हो सर, अगर इसका डिस्टेंस पता होगा तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये क्या आएगा, के, दिस इज के, अजीब सी शक्ल बन गई इसकी, के क्यू बाय आर, आर क्या होगा इससे डिस्टेंस। मैं कहता हूँ कि एक चार्ज और ले आया हमें, एक चार्ज और ले आया, मान लो क्यू वन की जगह क्यू टू ले आया, एक और चार्ज ले आया, क्या यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ेगा? तो फिर से आप कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, पोटेंशियल अब बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, एक तो क्यू वन की वजह से आएगा और एक टर्म किसकी वजह से आएगी, क्यू टू की वजह से। कहने का मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन से लेना देना नहीं है मुझे, मुझे सिर्फ ये चेक करना है, पूछना है आपसे, पता करना है, क्योंकि मैं भूल गया कि क्या पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो आपने बताया कि हाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक और चार्ज ले आऊँ, कितने के चार्ज लाओगे, बहुत सारे हैं अपने पास, बहुत सारे हैं, कितने भी ला सकते हैं। एक और चार्ज लिया है, पॉजिटिव वाला है, क्या पोटेंशियल बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा, ठीक है, इसके सरफेस पे या इससे दूर, इससे कहीं भी आप कोई भी पॉइंट लोगे ना तो पोटेंशियल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। क्या बात की इसके अंदर ढंग की, आप ये मत सोचो कि किस लिए की जा रही है, आप बस आंसर देते रहो। फिर अगर मैं कहूँ कि एक निगेटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर एक निगेटिव चार्ज आ गया, लाइक देखो क्या हुआ था, जब एक पॉजिटिव आया था तो पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक और आया तो बढ़ गया, जब एक और चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव वाला, इसकी अपने लिखी नहीं थी ना टर्म, तो ये पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। बट लिसन, जब एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ता है, आप रिमेंबर करो माइंड में कि आपको अब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लेना होता, अगर इसका जो मैग्नीट्यूड है इफ इट इज Q4 तो ये माइनस Q4 लोगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और डिस्टेंस R4 ले रहे हैं अपने, इनका कोई मतलब नहीं वैसे, R3 क्या है, R2 क्या है, जस्ट टू रिप्रेजेंट। हमें मेन कॉन्सेप्ट पे जाना है, हमें क्या पता चला कि पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को बढ़ा देता है और नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को कम कर देता है। अगर एक और नेगेटिव आ गया होता, पोटेंशियल में से और कम हो जाता, ये जो नेट पोटेंशियल इसमें से और कम हो जाता, और कम हो जाता, और कम हो जाता, क्लियर, ये चीज़ क्लियर है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये, तो अपनों ने पहले पहले ही पढ़ ली थी जब उन्होंने पोटेंशियल सीखा था। और अगर ये चीज़ हमें आती है, अगर इस चीज में कोई डाउट नहीं है, तो बिलीव मी आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टॉपिक इतना शानदार तैयार हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लो जी हटा देते इसको, बिल्कुल हटा देते, अपने आंसर कर रहे थे चिंटू का क्वेश्चन, उसने कहा था सर एक प्लेट से काम नहीं चलता क्या, हमने कहा था चलता है, फिर हमने कहा दूसरी प्लेट पे स्टोर भी नहीं कराते चार्ज, पहली प्लेट पे ही चार्ज स्टोर कराते, ये प्लेट तो मोरल सपोर्ट के लिए है। मोरल सपोर्ट क्या होता है, जैसे कि मान लो काम मुझे ही करना है, जस्ट मैंने अपने पास अपने किसी पार्टनर को, किसी फ्रेंड को, किसी को भी रखा हुआ है वेल्युएशन को, ताकि उससे मुझे कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे, वो मोटिवेट करता रहे, या उसकी कंपनी अच्छी लगती है, ताकि मैं इजीली कर पाऊँ काम, है ना, कि काम करने जाना, चलना मेरे साथ, चलते हैं अपने, दोनों चल के आते हैं, काम तो मुझे ही करना है, वो साथ में क्या, सिर्फ मोरल सपोर्ट। सिमिलर टू दैट, ये प्लेट सिर्फ मोरल सपोर्ट होती है, ये इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है, अब आप सुने, इसके लिए अभी एक मिनट और वेट करना होगा। यू हैव टू लुक एट
कैपेसिटेंस इक्वेशन जो अपने डिराइव कर चुके हैं क्या थी, अगर नहीं भी याद नॉट टू वरी, Q प्रोपोर्शनल टू V था, Q इज इक्वल टू सी वी, सी इज कैपेसिटेंस, आप C कहो तो इट इज इक्वल टू Q बाय V, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ये तो पुराना काम है, दिस इज कैपेसिटेंस इक्वेशन। अच्छा ठीक है, अगर अपने फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें बताएं किसी प्लेट पर किसी कंडक्टर पर अगर चार्ज हो और उसके सामने कोई अनचार्ज्ड कंडक्टर लाया जाए तो उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इंडक्शन मेथड है ना, तो इलेक्ट्रिफिकेशन में पढ़ा था अपन ने, तो देखो इसमें पॉजिटिव है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव है ना, बट ऑन द सेम हैंड ये कंप्लीटली चार्ज नहीं होगी, बस चार्ज दूर दूर हो जाएगा, नेगेटिव वाला पास आ जाएगा और पॉजिटिव वाला दूर चला जाएगा। फिर हम क्या करते थे आप याद करो, फिर हम कराते थे इसकी अर्थिंग, फिर हम अर्थिंग कराते थे, अगर हम इसकी अर्थिंग करा दें, देखो ध्यान से, अगर हम इसकी अर्थिंग करवा दें तो क्या होगा, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता था, या आप कह दो कि इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आ जाते हैं, जो भी है वो इनिशियली कॉन्सेप्ट को सिखाया था। अभी फिलहाल मैं यही कहता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा अर्थ में चला गया अर्थिंग करने की वजह से, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज, ओके सिर्फ नेगेटिव चार्ज। अब कहानी स्टार्ट होती है, अब आप ध्यान से सुने, अब एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी आ रही है, आपने चार्ज स्टोर करना था तो आपने उसके लिए एक प्लेट चुनी, आपने चार्ज स्टोर करना था आपने उसके लिए एक प्लेट चुनी, आप जैसे उस पर चार्ज कुछ स्टोर करवा रहे थे उसके अंदर पोटेंशियल बढ़ जाता था, ये डिस्कशन गलवली भी कनेक्ट हो रही है, जैसे जैसे किसी पे चार्ज स्टोर करवाते थे उसका पोटेंशियल बढ़ जाता था, फिर चार्ज स्टोर कराते थे फिर पोटेंशियल बढ़ जाता था, तो ये वाली चीज़ कहाँ तक चल सकती है, एक लिमिट लगती है ना, वो लिमिटेशन क्या है, कैपेसिटी, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया फिर उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद वो अलाउ नहीं करेगा और चार्ज को आने के लिए, इसलिए वो कहता है कि बस भाई अब चार्ज नहीं आएगा, और उस टाइम डिफाइन हो जाती है इसकी कैपेसिटी की, भाई इसके अंदर इतना ही चार्ज आएगा। अगर आपको कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो देखो कैपेसिटेंस में दो फैक्टर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी या फिर आपको पोटेंशियल घटाना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है, मेन वैसे फैक्टर यही है, क्योंकि यही तो रोक रहा था, चार्ज अगर आप ज़्यादा डाल रहे थे तो बॉडी के सरफेस पे पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या है, लाइक इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज़ हो रहा था, वो इंक्रीज़ हो रहा था। अब इस प्लेट के आने से, इस प्लेट के आने से, अब आप देखो कॉन्सेप्ट जो अपने भी डिस्कस किया था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स इसके सरफेस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल है, जब तक ये प्लेट नहीं है तो सिर्फ सिर्फ पोटेंशियल किसकी वजह से है, इस नेगेटिव नेगेटिव क्या, इस नीले रंग के, इस ब्लू कलर के चार्जेस की वजह से है, क्लियर। जैसे ही वो शीट आएगी उस पर जब चार्ज इंड्यूस होंगे, क्या ये नेगेटिव चार्ज इस शीट पे जो पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल कम नहीं कर देंगे, ध्यान से सुनो कि इस शीट पे जो कोई भी एक पॉइंट है उसके पास पहले पोटेंशियल किसकी वजह से था, सिर्फ सिर्फ इसकी वजह से, अब इसके सामने नेगेटिव चार्जेस आ गए, नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, और वैसे आपको बताया कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो आप इस प्लेट पे पॉइंट कहो, इसके पास कहो, या इनके बीच में कहो, एक ही बात है, क्लियर। तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव चार्जेस। तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे रोल प्ले कर रहे हैं, सामने वाले का पोटेंशियल कम करने के लिए, मतलब ये हाइपर, ये बहुत ज़्यादा हाइपर बंदा, और नेगेटिव मतलब बहुत ज़्यादा कूल बंदा, तो बहुत ज़्यादा हाइपर बंदा खड़ा है उसके सामने बहुत ज़्यादा कूल पर्सन आ गया, तो उसके गुस्से को थोड़ा सा शांत कर दिया, क्लियर। ऐसा कुछ आप माइंड में रख सकते हो। प्लेट पी टू के आने से क्या हुआ, इसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो गया, क्यों हुआ अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैथमेटिकली भी करा था, नेगेटिव चार्जेस आते हैं तो पोटेंशियल को कम कर जाते हैं, क्लियर। तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, अगर पोटेंशियल कम हो जाएगा, चार्जेस तो हमने नहीं कम करे, चार्जेस तो फिक्स रखे हैं, हमने पोटेंशियल कम करने के लिए एक तरीका ये भी तो अपना सकते थे, मैं चार्ज कम करता जाऊं तो भी पोटेंशियल कम हो जाएगा, बट मैंने ये तरीका नहीं चुना, ध्यान से सुने, ये तरीका नहीं चुना, तो फिर कौन सा चुना है अपन ने, अपन ने अलग तरीका चुना, अपने इसको कॉन्स्टेंट रखा,
इसको कांस्टेंट रखा, ब्लू वो चार्ज नहीं छेड़े, एक अलग से सामने से प्लेट ले आए, उसमें एक अर्थिंग करा दी, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया, और उसकी वजह से इन चार्जेस के वजह से इसका पोटेंशियल भी कम करा दिया। ठीक है, अगर आप चार्ज कम करा के पोटेंशियल कम कराते तो दोनों में सेम इफेक्ट आता, कैंसिल हो जाता, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने चार्ज को सेम रखा फिर भी पोटेंशियल कम करवा पाए, इट मीन्स इट इज योर वेरी ग्रेट अचीवमेंट। अगर ये कम हो गया तो श्योर है कि कैपेसिटेंस बढ़ गई होगी। अगर ये चार्ज पहले कुछ मतलब लाइक ए 5 पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर पाता था, तो अब ये 6, 7, 8, 9 कुछ ज़्यादा स्टोर कर पाएगा। एम आई क्लियर विद दैट? ओके, धीरे धीरे और क्लियर करेंगे इसको। और वन मोर थिंग कि अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। जो मैंने आपको बिल्कुल बेस बताया डायरेक्टली, वो आई गेस की स्टार्टिंग से हर बुक में नहीं मिलेगा आपको। हाँ, लास्ट में शायद वो डिक्लेयर कर देते हैं, कुछ में लास्ट में डिक्लेयर नहीं होता। तो आपको ये समझना है कि बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको बताई दे रही है, वो सारा कवर आउट करेंगे, हर तरह से लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं वो करेंगे अपने यहाँ पे। बट बेसिक थिंग इज आपको समझ में आया कि किसी एक प्लेट पे चार्ज स्टोर किया जा सकता है, बट उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। उस अब चार्ज तो उसी प्लेट पे ही कर रहे हैं स्टोर, इस प्लेट का काम क्या है, जस्ट इसको बूस्ट करना। अगर ये पहले 5 चार्ज स्टोर कर पा रहा था तो इसके आने से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 5 की बजाय 6, 7, है ना, इंस्टेड ऑफ 5 ये 6, 7, 8 टाइम्स इतना चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर समझ में आया? तो मैं क्यों कह रहा था कि मोरल सपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा। और देखो जैसे ही इसमें, और एक और चीज कि जैसे ही इसमें आप थोड़ा और चार्ज दोगे, यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज फिर पोटेंशियल को डिक्रीज करने में काम आएगा। तो समझ रहे हो कि कितना सिंपल सा दिमाग है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस लगाई है नहीं, बिल्कुल सिंपल, हमारे फर्स्ट चैप्टर का सबसे इनिशियल कॉन्सेप्ट, हमें पता भी नहीं था यहाँ पे ऐसा कुछ काम आ सकता है वो, जब तब पढ़ा था। बट आप देखो वो चीज़ कितनी ज़्यादा काम आई। क्लियर हुई बात? अच्छा, अगर इसको लिख करके आना होगा, सर समझा तो दिया हमने, इतना बड़ा सारा समझ भी लिया, बढ़िया समझ भी आ गया, चिंटू का क्वेश्चन भी एड्रेस हो गया, कह रहे हाँ सर मान गया, मेरी बात भी सही थी, आपकी भी सही थी, है ना। बच्चे ऐसा करते हैं कि हाँ सर मेरी भी सही थी, मैंने तो क्वेश्चन तो अच्छा पूछा था ना। कि देखो आप चार्ज तो एक पे स्टोर करोगे, बिल्कुल एक पे स्टोर करेंगे, दूसरी प्लेट इज जस्ट फॉर द मोरल सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट प्लेट, कि भाई तू कर सकती है, यू कैन डू इट। आप 5 चार्ज को स्टोर कर रहे हो तो आप 6 को भी कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू विल डू इट, एंड सच में कर भी लेगी। क्लियर? तो एक थॉट ऑफ द डे भी निकल के आ सकता है आपके लिए कि अगर आपके पास आपके सराउंडिंग में पीपल अच्छे हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो दे कैन श्योरली इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस। ओके, छोड़ते हैं इसको, फिजिक्स पे ही आते हैं अपने। अगर आपको लिख करके आना हो, देन हाउ विल यू राइट इट ऑन योर नोटबुक? तो आप कहोगे कि आप एक डायग्राम बनाओगे, पहले आप कहोगे कि कंसिडर वी हैव 2 प्लेट्स P1 and P2, नाउ लेट अस कंसिडर वी हैव गिवन अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ऑन प्लेट P1। क्लियर? एज अ रिजल्ट इसकी वजह से होगा क्या, एज अ रिजल्ट माइनस क्यू चार्ज विल इंड्यूस ऑन द, इस तरफ होगा ना, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ P2, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ P2। और इसको मैं प्रॉपरली दिखाऊं, स्टार्टिंग वाली जर्नी दिखाऊं मैं, तो यहां पे इस तरफ माइनस क्यू इंड्यूस होगा और इस तरफ प्लस क्यू इंड्यूस होगा, एंड आफ्टर अर्थिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ P2 विल बी सिंक हो जाएगा इन द अर्थ, एंड प्लेट P2 विल लेफ्ट विद माइनस क्यू चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब इनके अंदर अंदर वाले साइड पे चार्ज रह गया, क्या हुआ कि P1 पे प्लस क्यू चार्ज और P2 पे माइनस क्यू चार्ज। एक और चीज यहां से निकल कर आती है कि हमेशा अगर आप टोटल चार्ज की बात करोगे तो कैपेसिटर में आपको क्या दिख रहा है, इट विल रिमेन ऑलवेज 0। इस पे जितना चार्ज होगा प्लस में उतना ही चार्ज इस पे होगा, बट माइनस में, तो नेट चार्ज 0 आएगा। बट जब भी बात की जाती है किसी कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो आपको ये भी चीज़ पता लगी थी यहाँ पे कि नेट चार्ज की बात नहीं होती, क्योंकि हर कैपेसिटर में फिर नेट चार्ज तो 0 होगा। कौन से चार्ज की बात हो रही होती है, इस चार्ज की बात हो रही होती है। ये कुछ एक बारीकी है समझनी आपको, द चार्ज हेयर इज नॉट द टोटल चार्ज, इट इज चार्ज, या कह दो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, या बेसिकली बिल्कुल एग्जैक्ट कहो तो इस प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज स्टोर कराया उसकी अमाउंट की बात हो रही है। ओके, प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, प्रिंसिपल क्या है कि आपने जब इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया तो उस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, एंड दिस नेगेटिव चार्ज विल हेल्प
विल हेल्प टू रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट P1। मैंने आपको समझाया जिस तरीके से एग्जांपल लेके, आपको कुछ नहीं कहना, आपको जस्ट बताना है कि इस पे पॉजिटिव लिया तो उस पे नेगेटिव आ गया और उस नेगेटिव ने इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया, क्लियर। और अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया देन फ्रॉम कैपेसिटेंस इक्वेशन विच सेज दैट C इज इक्वल टू Q/V, इफ V इज डिक्रीज्ड देन कैपेसिटेंस विल श्योरली 110% इंक्रीज, क्लियर। और ये जो हमने पढ़ा, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ PPC और यू कैन से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बुक्स की बात बता रहा था, अगर आप वहाँ से रिलेट करोगे, कई बार बच्चे रिलेट करते हैं, बुक्स पढ़नी भी चाहिए आपको, तो कहते हैं सर आपने बाद में जाकर ऐसा कुछ बताया, वहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं अर्थिंग वाला। मोस्टली बुक्स में होगा, कुछ बुक्स में मिस भी हो जाता है ये कि अर्थिंग नहीं करी होती, वो डायरेक्टली बताते हैं कि इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, एंड सीम लाइक चलती रहती है फिर बातें आगे। चलो हमें नहीं लेना देना किसी के बारे में, जस्ट मैं यहाँ पे किस लिए बात कर रहा हूँ, ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना आए कि वहाँ क्या चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है। अल्टीमेट थीम यही है कि आपको लास्ट में पिक्चर सेम मिलेगी, बताने का प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है कि कोई कहाँ से स्टार्ट कर रहा और कोई किस तरह से स्टार्ट कर रहा। सो आई होप वी आर डन विद दिस, कि हमें पता चला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, किस तरह का दिखता है, ये काम कैसे करता है, और चिंटू को भी अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए कि भाई दो प्लेटें ही क्यों, एक प्लेट से भी चल सकता था, बिल्कुल चलता है, पर दूसरी जो प्लेट इज फॉर द मोरल सपोर्ट। अब जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, सेकंड प्लेट इज फॉर मोरल सपोर्ट, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि मोरल सपोर्ट क्या है, पोटेंशियल को कम कर देना। नेगेटिव अच्छी चीज है, नेगेटिव ने इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया, बड़ी अच्छे से लाइन बन गई ना, नेगेटिव ने इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया। ओके, अब नेक्स्ट टारगेट हमारे पास आता है कि हम इस कैपेसिटर की फिर पावर निकाल लें। पावर मींस कैपेसिटी, यहाँ पे है ना, कैपेसिटी निकाल लें कि ये एक्चुअली में अपने अंदर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। क्या हम ये निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वी आर डन विद द डेफिनेशन, वी आर डन विद द प्रिंसिपल, नाउ वी शैल लुक एट द कैपेसिटेंस। प्रॉपर जो कैपेसिटेंस है ना वो निकालेंगे, जैसे कल निकाला था, या कहूँ प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, कैपेसिटेंस ऑफ PPC पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये निकालना अगर मुझे तो मैं कैसे निकालूंगा, क्लियर। अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको पता, कल जो ट्रिक अपनाई थी हमने, क्या किया था, वी सेड दैट C इज इक्वल टू Q/V, हमने V की वैल्यू निकाल ली थी और फिर V की वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट कर दिया था, हमारा आंसर आ गया था, इज दैट क्लियर। अब अपने को V की वैल्यू फिर निकालनी है, पर सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। आप इमेजिन करो, ये देखो, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है इसको अपन कहते हैं सेपरेशन डिस्टेंस, एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय छोटा डी, छोटे डी से दिखाता है इसको। हम V की वैल्यू निकालेंगे, उस इक्वेशन में डालेंगे, हमारा काम हो जाएगा, करना ऐसे ही है। बट V की वैल्यू तक पहुंचते कैसे हैं? V से पहले अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। यहां पे बीच में कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने P, देखते जाओ सुनते जाओ, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं अपने ये, और इस पे बेस्ड कई डेरिवेशन करेंगे अपने, 3-4 डेरिवेशन करेंगे इसी डेरिवेशन पे बेस्ड। हमने एक पॉइंट लिया P, अब आप बताओ कि इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे गोज़लो वाली एप्लीकेशन काम आएंगे, क्योंकि ये दोनों शीट्स हैं, शीट्स की वजह से गोज़लो ने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 εप्सिलॉन 0, है ना, ये नीचे 2 वाला फैक्टर चला जाता है अगर स्लैब होती है तो। इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और देखो यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, इस प्लेट की वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आप खड़े हो और अपने आपको क्या मानना होता है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ खड़े हैं तो ये फर्स्ट प्लेट आपको कहाँ पुश करेगी, इस तरफ, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस तरफ। ये नेगेटिव प्लेट, हम तो पॉजिटिव है, ये कहाँ पुश करेगी, अगेन इसी तरफ पुश करेगी, तो है दो फील्ड्स बट उनकी डायरेक्शन सेम ही है, डायरेक्शंस सेम ही है, मतलब अभी मैं यहाँ पे फॉर्मेलिटीज डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है, वो अपने डिस्कस करेंगे बाद में। हम देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी देखा मैंने EP, तो ये आया E1 + E2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, समझ में आ गया अपने को, बहुत बढ़िया, बहुत आसान। E1 क्या है? E1 मतलब सिग्मा अपॉन 2 εप्सिलॉन 0, क्लियर।
और यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। अब सिग्मा सिग्मा क्यों लिखा, क्योंकि आपको बताया कि अगर इस पर जितना चार्ज है इस पर भी उतना ही चार्ज होगा और एरिया दोनों का पहले से ही सेम है। इट मीन्स मुझे अगर मैं इसके लिए सिग्मा सिंबल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसके लिए सिग्मा डैश सिग्मा टू ऐसा कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज भी दोनों पे सेम है, एरिया भी दोनों का सेम है। हर छोटी चीज़ आप पकड़ते चलो, अगर आप इनको जोड़ दोगे, ये भी आधा है ये भी आधा है, आधा आधा पूरा, अधूरे हम अधूरे तुम पूरे हो गए मिलके, लो जी ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो क्लियर है, हमारे पास आ गया ये। अच्छा इसको और भी अगर आप सिंप्लीफाइड लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो चार्ज अपॉन एरिया टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी चाहिए था अपने को, अपने को तो पोटेंशियल चाहिए था। अब आपके माइंड में क्या कोई फॉर्मूला है जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ चुका क्यू अपॉन ए टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन, ताकि यहाँ से मैं जगह साफ कर पाऊँ। लो जी कर दी मैंने। क्या आपके पास कोई फॉर्मूला ध्यान में आता है? बिल्कुल आता है, हमें बहुत कुछ पता है तो हम लिखते हैं वी नो दैट। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, ऐसा कहीं कहीं पढ़ा था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी या आपको माइनस डी वी बाय डी आर, ऐसा कुछ था, बिल्कुल था, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, यही ले लेता हूं मैं, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये नेगेटिव साइन का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना नहीं है। ओके ये डी वी का मतलब क्या था, चेंज इन पोटेंशियल। ओके इस dr का मतलब क्या था, चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन पोजीशन, ये मतलब था। ओके फाइन, अब यहां पे अगर अपने को पता करना हो, ये फॉर्मूले को अप्लाई करना हो तो यहां पे किस तरह से लगाएंगे, ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, इसको यहां स्पेशलाइज्ड लगाते हैं हेयर, लाइक कोई भी चीज़ है लाइक मैगी का पैकेट है जो जनरलाइज तरीके से आया, उसमें मैगी वैगी का पैकेट का मसाला आ गया। अब आपने किस तरह से बनानी है आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख के बनाओगे, ठीक है। वैसे ये जनरलाइज फॉर्मूला था, इसको हम कैसे लगाते हैं वो हमारी मर्जी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ई को मैंने लिखा ई पी, ठीक है ई पी ले रहा हूँ तो मैंने ई को ई पी लिख दिया। डी वी चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, अगर इसका पोटेंशियल हो वी वन, इसका पोटेंशियल हो वी टू, और इनके बीच में जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा दैट विल बी V2 माइनस V1, या उसको मैं V कह देता हूँ। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये आपको याद रहेगा कि V का मतलब क्या है, ये है। तो इस dV को आप V2 माइनस V1 भी लिख सकते हो या डायरेक्टली V भी लिख सकते हो, लिख दिया। dr मैंने चेंज इन पोजीशन, अब अगर आप इसको इनिशियल पोजीशन लो, इसको इनिशियल लो जीरो, मतलब ये x एक्सिस पे पॉइंट्स लोगे अगर आप, ये जीरो लोगे अगर, तो ये क्या बनेगा आपका d बनेगा। If this is x equal to 0, then this will be x equal to d. तो dr का मतलब क्या होता है, लो मैं लिख देता हूँ। dv मतलब v2 minus v1, dr मतलब r2 minus r1, position, position, second position minus first position. तो d minus 0, यानी कि क्या आएगा, d ही आएगा, clear? तो ep को मैं v minus d लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुझे ep की वैल्यू पता है, वो री ईपी की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, लो जी खत्म होने वाला है बस काम, तैयारी कर लें आप इसको बॉक्स में रख करने की। फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या कहती है, ये कहती है स्क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, आप लिख दो ईपी की जगह पे, मैंने लिख दिया वी अपॉन डी। अब आपको पता है क्या कि क्यू के अपॉन में जब वी आएगा तो वैसे ही वो पैक होकर के सी बन जाएगा। आप क्या करो, इस समान को चक्कर के उधर ले जाओ, उस V को उठा करके इधर ले आओ। ले आते हैं जी, Q पड़ा है, V आ गया नीचे और ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया तो बना एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और आपको पता है Q बाय V जब जब आता है तो ये चला जाता है और इसकी जगह पे C आ जाता है, और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। व्हाट इज दिस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अच्छा अगर मीडियम की बात हो तो अब ये चीज़ देखो, अब हमेशा अपने इसके हैबिचुअल हो चुके हैं कि हम क्या करेंगे, हर बार ये केस बना सकते हैं। दिस इज़ फॉर वैक्यूम एंड फॉर मीडियम आप सी एम लिख दो,
और आप यहाँ पे एप्सिलन रूट के साथ में एप्सिलन आर भी ऐड कर दो और ए अपॉन डी, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत, कोई गुंजाइश है ही नहीं, ये पढ़ा रहेगा अपने आप। तो ये हो गया जब इनके बीच में वैक्यूम ना हो करके कोई मीडियम हो जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलन आर हो। अगर वैक्यूम है या कुछ भी नहीं बताया, वो वैक्यूम कहते हैं अपने उसको, तो एप्सिलन रूट ले लोगे। सो दीज इक्वेशंस, जो भी आप नंबर दो इनको, लाइक आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इसको 3 कह दो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 एंड 3 रिप्रेजेंट्स कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद वैक्यूम एंड विद एनी मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर रिस्पेक्टिवली, ये बता रही हैं ये इक्वेशंस। वेरी सिंपल, वेरी इजी डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दैट्स ऑल। तो अब अपने इसका इक्वेशन या कैपेसिटेंस कहो तो वो अपने निकालना जान चुके हैं, दैट इज सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ये आ गया। मैंने एप्सिलॉन आर ही लिखा है, इसको आप फंडामेंटल याद रखो, क्योंकि अगर वैक्यूम की बात होगी तो उसमें ऑब्वियसली एप्सिलॉन आर जीरो हो जाए, वन हो जाएगा, मतलब कि इग्नोर हो जाएगा, है ना। और अगर इसकी कुछ वैल्यू होगी तो एक कंसिडरेशन में भी आ जाएगा। ओके, अब कुछ एक बेसिक क्वेश्चन उठा लेते हैं। लाइक सबसे बेसिक क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, थियोरटिकल क्वेश्चन है ये, कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऑन विच फैक्टर्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड, किस किस फैक्टर पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो आप देख लो जी, आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको तीन फैक्टर दिख रहे हैं। नंबर वन, कौन कौन से फैक्टर हैं, क्या आपको पता लगा? बिल्कुल आसान है, पता लग गया होगा। नंबर वन इज मीडियम, ये लो, ये मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर टू इज एरिया, किसका, मेरा या आपका, किसी का नहीं, एरिया ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स का एरिया, और उस पर डिपेंडेंस कैसा है, डायरेक्टली डिपेंडेंस है। और डायरेक्टली का मतलब इस तरह से लिख देते हैं इसको, सी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ए। अगर इसका आप ग्राफ भी प्लॉट करके बताओगे तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ प्लॉट कर दोगे सी वर्सेस ए का। इट मींस अगर आपकी जो प्लेट्स हैं उनका एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होता रहेगा, कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। एंड द थर्ड वन इज डिस्टेंस, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। और इसके साथ कैसा रिलेशन है, इसके साथ उल्टा है भाई, कि इसका मतलब डिस्टेंस जितना कम, कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा। क्लियर? तो ये ही चाहता है कि कैपेसिटेंस क्या चाहता है, कि डिस्टेंस इनके बीच में बहुत कम हो। इट मींस इफ यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन सी एंड डी, तो आप क्या करोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनाओगे। क्लियर? ओके, फाइन। बेसिकली आप कहो तो एक तो हो गया मीडियम, एक आप कहोगे डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स, और सेकेंड तो ये हो गया, एंड थर्डली आप कहोगे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो तीन फैक्टर्स आ गए हैं ये, आप इसके अंदर ग्राफ पे प्लॉट करके आ सकते हो, एज पर डिमांड आपको आंसर दे करके आना, बहुत आसान है। फिर उसके बाद अगर आपके पास एक क्वेश्चन आए, लाइक आपको कहा जाए कि एक कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस है लगभग आप मान लो 20 माइक्रोफेरेड, और उसको एक सोर्स के साथ, बैटरी होती ना लाइक, एक सोर्स के साथ चार्ज किया जा रहा है, और उसके सोर्स की जो वैल्यू है खुद की पोटेंशियल की, वह 20 किलो वोल्ट, काफ़ी हाई है, 20 किलो वोल्ट का सोर्स है, उससे इसको कनेक्ट किया तो इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा, कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब देखो इसी के साथ कनेक्ट किया, आपको पता है अगर ये 20 किलो वोल्ट है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल ऑल्सो बी 20 किलो वोल्ट। अगर ये 20 किलो वोल्ट है तो हम आंसर करने लायक हैं, वी नो दैट। अच्छा, गिवन वाली चीज लिखते होते हैं सबसे पहले, वैसे प्रॉपरली अगर करना हो तो आप लिखो कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, 20 माइक्रोफेरेड यानी कि 10^-6 फेरेड, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 10^3 है ना, किलो है, वोल्ट, और आपको निकालना क्या है, चार्ज। क्या आप निकाल सकते हो, किसे निकालोगे, बहुत आसान है, वी नो दैट बाय कैपेसिटेंस इक्वेशन का आप यूज़ करें, और आपको पता है क्या होती है, Q इज इक्वल टू सी वी, आप C इज इक्वल टू क्यू बाई वी भी याद रख सकते हो, जैसा आपको सूट करे। आपको Q निकालना है, C की वैल्यू मैं डाल देता हूँ, इट इज 20 × 10^-6, इट इज ऑल्सो 20 बट 10^+3, SI में, तो ये भी SI में, ये क्या बनेगा, लो जी ये बना 2 × 4, और 10^-6 थी,
अब ये अगर -6 थी तो -3 बचेगी इसकी वजह से, और इसकी वजह से -2 और इसकी वजह से -1, यानी कि 0.4 फैरेड, काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी, 0.4 फैरेड इसके अंदर आंसर आएगा। क्लियर हुई बात? इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अपने, या जो वहाँ पे दी होगी उसके साथ अपने को खेलना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन पे आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना है, और कुछ भी नहीं है। हटा देते हैं इसको। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एरिया दे दिया जाए, एप्सिलॉन दे दिया जाए, डी दे दिया जाए, तो आप कैपेसिटेंस निकाल दो, कैपेसिटेंस वगैरह देकर एरिया गायब कर दिया शीट का, डिस्टेंस गायब कर दिया, वो निकालना। या अपार्ट फ्रॉम देम अगर एक क्वेश्चन और हम लें, लाइक आपको कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करके देखते हैं, आपको कहे कि एक कैपेसिटेंस है, इसका एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफेरेट, है ना, जब इसके बीच में वैक्यूम है, जब इसके बीच में वैक्यूम है, और अगर इसी कैपेसिटर में, अगर इसी कैपेसिटर में अब हमने कुछ डाई इलेक्ट्रिक भर दिया, क्या भर दिया, एक डाई इलेक्ट्रिक भर दिया, और उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, देखो ये के वर्ड भी यूज कर सकता है, एप्सिलॉन आर भी यूज कर सकता है, इसकी मर्जी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात होती है, दोनों कंप्लीटली एक ही बात है। इसका सपोज ले लिया इसने 18, तो वो कह रहा है कि फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। यू गॉट माई पॉइंट? इनिशियल कैपेसिटेंस दे दिया, फाइनल पूछ लिया। तो आपको पता है किसी का भी वैक्यूम वाला कैपेसिटेंस, आप इसको सी नोट कह दो चलो एक बारी, या सी कह देते हैं ना, नया सिंबल नहीं लेते, ओके सी इज फाइन, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, क्लियर, और सी फॉर मीडियम क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। तो आप यहां से ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिख रहा है ना, ये सारा का सारा क्या है, ये तो वैक्यूम वाला एक कैपेसिटेंस है। इट मींस आपको यहां से अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर आपने सिर्फ सिर्फ मीडियम के साथ छेड़छाड़ करी है, ना एरिया बदला प्लेट्स का, ना डिस्टेंस बदला, ये तो कांस्टेंट ही है, है ना, इन दोनों के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, देन जो मीडियम डालने के बाद कैपेसिटेंस होगा, इट इज जस्ट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों एक ही बात है, इसका मल्टीप्लीकेशन आपने कराना है इनिशियल कैपेसिटेंस के साथ, या इसको कह दो कि वैक्यूम वाला जो कैपेसिटेंस है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपने कुछ छेड़छाड़ कर रखी है, एरिया में पंगे लिए हैं, मतलब चेंज किया है, और डिस्टेंस को चेंज कर दिया, तो आपको फिर सभी की वैल्यू अलग अलग रखनी पड़ेगी। फिलहाल हमने ऐसा कुछ किया नहीं, तो आपको बहुत ही आसान है, आप यहाँ पे 18 कर दो और यहाँ पे 8 कर दो, और बस आप आंसर निकाल लो, माइक्रो है तो 10^-6 लिख लेना, और ये फैरेड है तो फैरेड में ही आएगा। क्लियर? तो ये आ गया इसका आंसर। सोल्व कर सकते हैं इसको, क्या होएगा, 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको 18 × 8 = 144, ये तो आपको पता ही है, माइक्रो फैरेड इसका आंसर। इसको वापस से जब अपने एसआई में करते हैं तो खोलना चाहिए, वैसे यहाँ पे खोलना ही नहीं चाहिए था, खोल दिया, वापस पैक कर दिया, तो नेवर माइंड, दिस इज द आंसर जो सबको मल्टीप्लाई करना था। इसमें क्या चेंज किया जा सकता था, इसमें ये चेंज किया जा सकता था कि भाई आपको न्यू कैपेसिटेंस दे देता, ओके, और फिर आपसे डाइलेक्ट्रिक पूछ लेता कि कौन सा, किस डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाला आपने मीडियम वहाँ पे रखा है वो बता दो, किसी भी तरीके से, मतलब बेस्ड ऑन द फॉर्मूला नंबर 1 ये, या फॉर्मूला नंबर 2 वो वाला कैपेसिटेंस इक्वेशन वाला, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके, जो अभी तक हमारे टारगेट हो जाएंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। तो हमने सीख लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल बहुत आराम से, बहुत इलेबोरेटली, और कुछ थॉट्स भी देखे थे वहाँ पे, है ना, फिर अपन ने उसका डेरिवेशन कर लिया कैपेसिटेंस का, और फिर हमने कुछ एक बेसिक न्यूमेरिकल, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला टेस्टिंग वाले न्यूमेरिकल करके देख लिए। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।